तो यार आज के इस वीडियो में आप लोग को पेपर से एक मिनी यूजी गन बना के दिखाने वाला हूं, जो कि काफी मजेदार है और ये बुलेट्स को फायर भी करता है। तो चलो फटाफट इसको बनाते हैं। तो हमारे मिनी यूजी गन को बनाने के लिए सबसे पहले एक नोटबुक के पेपर को लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने व्हाइट कलर के पेपर का यूज किया। आप लोग चाहो तो अपने लाइनिंग वाले पेपर से भी बना सकते हो, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले इस पेपर को फोल्ड करते हुए इसका एक पतला सा स्ट्रिप बना लेंगे, ठीक है। तो यार दोस्तों देख सकते हैं ये वाला स्ट्रिप बन के रेडी है। अब जस्ट इसको कुछ इस तरह से हाफ करके फोल्ड कर देना, ठीक है। उसके बाद दोबारा से इसको खोलना एंड बीच वाले पार्ट से लगभग इतने दूर से कुछ इस तरह से इसको नीचे को फोल्ड कर देना, और यही सेम टू सेम चीज इसके लेफ्ट वाले साइड में भी करना है, ठीक है। तो चलो फटाफट इसको भी कर लेते हैं। ऑलराइट, इस तरह से फोल्ड करने के बाद अभी जस्ट कुछ इस तरह से बिल्कुल बीच से इसको फोल्ड कर देना, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अभी देखो एक और पेपर लेंगे और इसका साइज 8x15 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो फटाफट इसका भी स्ट्रिप बना लेंगे, बट पतला सा। तो ये देख सकते कुछ इतना पतला, ठीक है। अभी दोबारा से इसको लेंगे एंड इसका जो ये खुला हुआ पार्ट है जस्ट इसके इस वाले पार्ट में कुछ इस तरह से पेपर स्ट्रिप को रखेंगे एंड इसको दो बार कुछ इस तरह से राउंड करके फोल्ड करेंगे एंड एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके हटा देंगे। इसको कट करने के बाद इसका आगे वाले हिस्से को थोड़ा सा तिरछा करके कट कर देंगे। उसके बाद सबसे मेन पार्ट, ठीक है, इसके एक लेयर को कुछ इस तरह से पीछे को फोल्ड करेंगे एंड इस गैप के अंदर कुछ इस तरह से बहुत ही इजिली इसको फंसा देंगे, और यही सेम टू सेम चीज दूसरे साइड में भी करना है। तो चलो फटाफट इसको कर लेते हैं। तो यार दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अभी एक और नोटबुक के पेपर को ले लेंगे एंड फटाफट इसको फोल्ड करते हुए इसका भी स्ट्रिप बना लेंगे। अभी इस स्ट्रिप का कितना साइज रखना है आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखो अभी दोबारा से इसको लेंगे एंड यहाँ जो ये गैप दिख रहा है जस्ट इसके अंदर कुछ इस तरह से इसको डालना और पीछे से खींचते हुए निकाल देना। इसको एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब जस्ट एक और पेपर को लेंगे एंड फटाफट इसको फोल्ड करते हुए इसका एक रोल बना देंगे। उसके बाद जस्ट इसके पीछे वाले पार्ट को थोड़ा सा चपटा करेंगे एंड इसके अंदर इसको डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद इसके भी एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके हटा देंगे एंड ये कुछ इस तरह से दिखेगा। यार हमारा यूजी गन बनके रेडी, इसको चलाने के लिए रबर बैंड्स का यूज करना है, ठीक है। तो यार दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। चल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।